हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी एक नया डिश जिसका नाम है मुर्ग पुलाव। इसके लिए हमें चाहिए राइस। राइस मैंने लिया है 500 ग्राम्स राइस और उसको मैंने सोक करके रखा है पानी में। चिकन लिया है मैंने 1 किलो। यहाँ पे मैंने 4 प्याज लिए हैं जो कि मैंने ऐसे काट के रखे हैं। एक बड़ा सा जिंजर अदरक, उसको भी काट के रखा है। एक पूरा गार्लिक और उसका क्लोव, उसको मैंने ऐसे रखा है अलग करके। फिर हम इसके लिए लेंगे, ये है सौंफ मैंने लिया है लगभग 50 ग्राम। फिर धनिया मैंने लिया है, साबुत धनिया, वो भी 20 to 30 ग्राम्स मैंने लिया है। ये है साबुत जीरा, ये मैंने भी लिया है अराउंड 20 ग्राम्स। फिर लाल मिर्च मैंने 5 तो लिए हैं। बे लीव्स मैंने 3 तो लिए हैं। ये है ब्लैक पेपरकॉर्न्स, ये अराउंड 20 to 25 लिए हैं। फिर मैंने लिए हैं दालचीनी अराउंड 6-7, छोटी इलायची 4, क्लोव्स मैंने लिए हैं 4-5 और ये बड़ी इलायची मैंने लिए हैं 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जो मसाले हैं, जो सब खड़े मसाले और ये प्याज लहसुन और अदरक, इस सब को हम लोग ये ग्राइंडर पॉट में डालेंगे ग्राइंड करने के लिए। इस तरह से मैंने डाल दिया है ग्राइंडर पॉट में। अभी डालेंगे हम इसमें नमक, फिर डालेंगे इसमें तेल, थोड़ा तेल डालेंगे और फिर इसको हम लोग पहले इस तरह से ग्राइंड करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पानी हम लोग देंगे। ये देखिए इस तरह से वो ग्राइंड हो चुका है। अभी हम इसमें थोड़ा हल्दी डालेंगे और फिर अच्छे से इसको थोड़ा ग्राइंड करेंगे। ये देखिए अच्छे से पेस्ट हो गया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे इस कंटेनर में और जो चिकन है वो चिकन के साथ इसको थोड़ी देर हम लोग मैरिनेट कर लेंगे। ये देखिए ये मैरिनेट हो चुका है। अभी हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे और ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि चिकन अच्छे से पूरा गल जाएगा। हम लोग थोड़ा उसको कुक करेंगे 2 विसल्स, फिर हम लोग बंद कर देंगे प्रेशर। प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है और इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। ज़्यादा पानी मत डालिए। और इसमें ऑलरेडी मैंने तेल दिया हुआ था और नमक, हल्दी, लाल मिर्च सब दिया हुआ था। इसमें और हम लोग तेल नहीं डालेंगे। ये पूरा विदाउट लो ऑयल वाला मुर्ग पुलाव होगा। अभी हम इसको प्रेशर कुक करेंगे और जल्दी निकाल लेंगे 2 सीटी के बाद। ये देखिए ये जो मेरा चिकन है ये अच्छे से प्रेशर कुकर हो चुका है, ज़्यादा गला नहीं है चिकन। अभी हम लोग ऐसे एक बड़ा सा प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें हम लोग थोड़ा ऑयल डालेंगे इस तरह से, ज़्यादा ऑयल नहीं, थोड़ा सा। फिर इसके बाद ये चावल जो है हम लोग यहाँ पे प्रेशर कुकर में डालेंगे। इस तरह से मैंने डाल दिया है चावल। अभी इसके ऊपर हम लोग चिकन पीसेस डालेंगे। अच्छा ये देखिए इस तरह से मैंने चिकन को डाल दिया है इसके ऊपर। और फिर अभी मैंने लिया था 500 ग्राम्स चावल, तो हम इसमें 1 लीटर पानी हम लोग डालेंगे। ये जो प्रेशर कुकर में इसका ऑलरेडी थोड़ा मसाला था, इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया और इस पानी को हम लोग मेजर करके 1 लीटर ऑलमोस्ट हम लोग इस यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए पानी मैंने डाल दिया है और हम इसको अभी अच्छे से चावल के साथ चिकन पीसेस और ये मसालों को मिला लेंगे और फिर हम लोग इसका थोड़ा नमक चख लेंगे, नमक है कि नहीं ठीक से। अगर नमक नहीं है तो आप थोड़ा नमक और ज़्यादा डाल के फिर हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अभी हम लोग देखेंगे इसमें से स्टीम निकलेगा, हाई स्टीम निकलेगा। फिर हम लोग उसको तब तक हाई रखेंगे फ्लेम को, जब स्टीम निकलेगा यहाँ से हम लोग फ्लेम को लो कर लेंगे। ये देखिए मेरा गर्मा गर्म मुर्ग पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। कितने अच्छे से बन के आया है इसका चावल। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।